हमें बहुत में भी अभी 10 बजे के आए, हम इतने लेट हो गए, डरम उसका रहता है, हमें बहुत तकलीफ होती है जाने में, कीचड़ बहुत रहता है हमें, हम कभी गिर भी जाते हैं बहुत, हमारी एब्सेंट भी बहुत लग चुकी है, हमें सर भी बोलते हैं वहाँ पे कि जल्दी आया करो, फिर भी जल्दी जाने से भी पीछा हम लेट हो जाते, और कभी डरम भी बेवा जाता है तो डरम लाने के लिए भी लोग जाते हैं, वो भी बेचारे पता नहीं कैसे लाते, बहुत तकलीफ होती है हमें, यहाँ पे स्कूल बनवा दीजिए या फिर पुल बनवा दीजिए, हमारे गांव में 5वीं तक के स्कूल है, मेरे को वहाँ पे 5 साल हो चुके हैं स्कूल जाते जाते, हमें बहुत तकलीफ होती है, और कभी डरम भी पलटी खा जाता है तो किसी को लग भी जाती है, और बहुत लेट होते हैं डरम जाने तो, और आधे ही बैठते हैं उस पर स्कूल, सब एक साथ बैठ के भी नहीं जा सकते, और बहुत लेट हो जाते हैं, हमें स्कूल पे परेड भी निकल जाता है हमारा एक दो, करते अभी मेरे को बना कर रहे थे, मेरे को डरम का भी पता नहीं था, मैंने फोन लगाया फ्रेंड्सों से, मैंने पूछा फिर के स्कूल में कोई आया या नहीं आया, तो बोले कहा आया, तो फिर अभी मैं इतनी लेट हो गई और मैं जा रही हूँ, इसलिए वो डरम लाया, फिर दो एक डरम भी उस पर रहता है, इसलिए कोई लाता भी नहीं, तो फिर कोई रहता नहीं, कभी मिलता कभी नहीं भी मिलता, बहुत परेशानी होती है, हमारा आधे काम छूट जाते है, इससे बोलते हैं कि मत जाओ, बहुत से बच्चे घर पे ही बैठे हैं, बहुत से स्कूल नहीं जाते, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं उनकी, उनको भी परेशानी होती है कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, इसलिए वो भी मना करते हैं कि मत जाओ, तो पर अब पढ़ने के लिए बहुत आफत आती है हम लोगों को, हम पढ़ना चाहते हैं आगे तक के, हमको आगे पढ़कर बहुत सारी हमको नौकरियाँ करनी है, हमें बहुत वो ऊँचे पोस्ट पर जाना है, इसलिए हमें इतनी आफत पड़ती है, अनम शेख है, बोलो मत कहते हैं, स्थाई बना हुआ ना, बना रखा है कितने सालों से हो रहा है, साल से जब से दिखा विकास हुआ जब से यही है,
तो जो चीज़ है हमारे सामने बचपन से ही आ रही है, जब हम छोटे से जब से स्कूल जा रहे हैं हम, और यही पोजीशन है जब से ही, यही पोजीशन है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया इसमें। बस जो आता होगा करेंगे, ये सब कुछ कर लिया है इसके पहला, और बस 8वीं 9वीं तक स्कूल जा पाते हैं, उसके बाद फिर लड़कियों को तो छोड़ना ही पड़ता, लड़का तो जैसे तैसे जा सकता है पर लड़कियों को तो छोड़ना ही पड़ता, वो तो घर पर बैठी है। हमारी खुद की बहनों है वो खुद घर पर बैठी है, अभी जो बहनों हमारी जा रही है उनको हमारे को छोड़ने जाना पड़ता है, ड्रम से लाओ ड्रम से ले जाओ, उनके टाइम पे जाना पड़ता है, उसके पहला आना पड़ता है, अगर ये उस पार पड़ा रहता है तो उधर से कोई इसको लाने वाला नहीं है, हम ही फिर तीर के जाते हैं और इसको लेके आते हैं, फिर उसके बाद उनको स्कूल में ले जाते हैं, या अगर ज़्यादा बैठ गए अपन इसके ऊपर, जैसे इसकी 5-6 जाते हैं एक बार में, और वो बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, लड़के भी रहते हैं, पलटी भी खा जाता है, किसी को तीरना याद रहता है वो बचा लेता अपनी जैसे तैसे जान, जिसको नहीं रहता उसको फिर हम रहते हैं यहाँ पे तो बचाते हैं जैसे तैसे, चोट भी लग जाती है कभी सभी उनको, और कोर्स ओर से गीला होता है तो फिर 1 या 2 दिन की तो अब्सेंट उनकी लगना है ही, क्योंकि स्कूल के लिए जाते हैं हम पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए जैसे इनको छोड़ने या हमें खिलाना, वो तो उनको तो पढ़ना, उनको तो आगे बढ़ाना जैसे तैसे, हम तो रह गए जैसे कि अब हम तो कर रहे हैं मजदूरी दूसरे के, हम ये चाहते हैं कि वो ना करे, वो अपना खुद का कुछ करे। हाँ सबके सामने है ये पोजीशन, ऐसा कोई नहीं बचा जिसके सामने ये पोजीशन हमारी नहीं है, बस सब यही कर देंगे, होगा चल रहा है मंजूर हो गया है बस बनना है, पर कोई नहीं है बस जैसे तैसे हम ही को आफत करना, और फिर ये पोजीशन हमारी रो, मतलब स्कूल जब स्कूल चालू हुआ और हमारी ये परेशानी चालू, वैसे भी जैसे जाना पड़ता होता तो कुछ काम, जैसे हमारे रिश्तेदार भी आते वगैरह जो भी, जैसे अभी आपके सामने आए, और ये खेत वेत भी रहता है कुछ लेने जाने के लिए, और अस्पताल भी जैसे किसी को देवास दूर पड़ता है सांवर पास पड़ता है, तो अगर किसी को अस्पताल ले जाना है तो फिर इसी के ऊपर से हमारे को उसको ले जाना पड़ेगा, कोई साधन नहीं है, या तो पुल बने या स्कूल बने लड़कियों के लिए, पुल तो ज़रूरी है बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम शरीफ खान। तो सर क्या करें आगे, कुछ कोई बना ही नहीं रहा इसको, तो क्या करेंगे, कोई बना है तो जोखिम नहीं उठाएंगे, बच्चे पढ़ने जाते हैं सिमरोल डेली जाते हैं, करीब करीब 50 बच्चे जाते हैं रोज, जाते हैं ऐसे ही निकलते हैं रोज, कभी कभी बेवा भी जाता है, पलटी भी खा जाता है, कभी कभी रहते हैं यहाँ कोई तो निकाल ले, नहीं निकले तो नहीं रहते, डूब जाते हैं बच्चे, यो है और क्या, हादसा तो बहुत सी बार हो गया सर, बाकी यहाँ कोई ना कोई रहता है, बस कोई ना कोई यहाँ रहता है, तो नदी में छोरे सब तीरने वाले हैं, यहाँ लड़के सब उतर जाते हैं ले आते हैं उनको निकाल के, ये है सर। अब ये तो आगे प्रशासन जाने क्यों नहीं बन पा रहा है, कैसे नहीं बन पा रहा है, क्या वजह बता, हम क्या बता, हमको मालूम ही नहीं कैसे क्या है। इलाज के लिए तो सर ये मतलब कभी ज़्यादा भी बीमार दुखी हो अगर ये होए तो ठीक है, नहीं तो फिर टूप पे निकलते हैं, चद्दर रख लेते हैं उस पर बीमार दुखी को, उस पर रख के और टूप पर रख के निकलते हैं, नहीं सांवेर, सांवेर जाना पड़ता है यहाँ से 9 किलोमीटर, नज़दीक कोई सा भी नहीं सर, यहाँ अगर जाना है तो 18 किलोमीटर देवास है यहाँ से, और करीब 30 किलोमीटर उज्जैन है, और 35-40 किलोमीटर इंदौर है, इससे पास में कोई सा भी नहीं है, और बच्चे तो डेली यहाँ से जाती हैं पढ़ने के लिए, 50 बच्चे, आप अभी 1 घंटे पहले आते तो कब सर कब आपको 50 बच्चे मिलते हैं यहाँ पे, आशिक